अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगी। आज मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और सबका एक तो अलग अलग यहाँ नाश्ता बनता है। नाश्ते में मैं ऑमलेट रेडी कर रही हूँ अपने लिए और छोटे भाई के लिए, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने ये अपना एक सैलड रेडी किया है जो कि मैं 2 से 3 के दरमियान खाऊँगी। और नेक्स्ट जनाब, मैंने इसकी साइड चेंज करनी थी ऑमलेट की, और साइड चेंज करते करते बेचारे का मैंने बुरा हाल कर दिया है। उसके मैंने टोटे टोटे कर दिए, कीमा बना दिया, आप देख सकते हैं। अब जो है मैं इसको आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ क्लोज करके। ये आप देखिए कितना प्यारा वैसे लग रहा है ना, यमी यमी सा। मैं इसे डिश आउट करती हूँ। और नेक्स्ट मैंने अपने साथ एक और नाश्ते में जो चीज़ रखी है वो है अनार का जूस। नाश्ता तो मेरा काफ़ी अमीरों वाला हो गया वैसे तो। अब ये जो है हम यहाँ ये टिक्कियाँ रेडी की जा रही हैं, और जो ये टिक्कियाँ हैं ये आलू और चिकन के साथ रेडी की गई हैं। इसे हम अंडे में अच्छे से डिप करके फिर इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इसकी फिनिशिंग करेंगे। इसके बाद इसको आप फ्राई कर लें, और ये इतनी मज़े की बनती हैं, इतनी मज़ेदार होती है ना, क्रिस्पी सी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती है, नॉर्मल होती है, सब इजीली खा लेते हैं। इसे हम पराठे के साथ खाएंगे। इसके साथ साथ हमने जो है वो माश की दाल पड़ी हुई थी वो गरम करेंगे और वो भी खाएंगे। ये जो नाश्ता खाने लगे हैं ये बाबा, आंटी और भाई बड़े वाले, वो ये खाएंगे। हर एक की तो अलग अलग फरमाइश होती है, किसी को ऑमलेट चाहिए, किसी को मिल्क शेक चाहिए होता है, किसी को रात वाले सालन के साथ पराठा खाना है। तो बस ऐसे ही जो है 1-1.5 घंटा ना नाश्ते में ही गुजर जाता है सबको रेडी करते करते। खैर, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, अपना प्यार शो करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें यार, आपके क्लिक से किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो आपका क्या चले जाना है, कर दिया करें, दिल बड़ा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।